Hey foodies, welcome back to Food Love. आज मैं बनाने जा रही हूँ मंगोड़े आलू की सब्जी। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम कर लें और उसमें डालें एक छोटा चम्मच घी। घी को अच्छे से पैन में स्प्रेड कर लें और उसके बाद लें एक चौथाई कप मंगोड़ी। ये मैंने मूंग दाल की मंगोड़ी ली है। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट आपको इसे फ्राई करना पड़ेगा। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जल जाती है बहुत जल्दी, तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और उसी पैन में एक बड़े चम्मच घी डालेंगे। अच्छे से इसको पैन में स्प्रेड कर लें। अब मैंने लिए हैं आलू। आलूओं को इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। ये आधा कप आलू है, करीब 4 मीडियम साइज के आलू हैं ये। और इसे भी हम स्टिर फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसको स्टिर फ्राई करूँगी। तो हम इसे स्टिर फ्राई करने के लिए मीडियम गैस पर रख कर छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक दूसरे पैन को हम गर्म करेंगे और उसमें हम डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच घी। तो ये सब्ज़ी हम घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी गर्म होने पे उसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को चटकने देंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, चार से पांच लहसुन की कलियां बारीक चॉप की हुई, इसे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। उसे 3 हरी मिर्ची, हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी तीखा आपको पसंद हो। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छे से भून चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 कप टमाटो प्यूरी। करीब ये 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर हैं, तो इसमें टमाटर ज़्यादा डालते हैं, तो आप जितनी भी प्याज डालें उसका डबल टमाटर डालें। और 1 पिंच हींग डालेंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। मिक्स कर लें सबको अच्छे से। अब हम इस ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे करीब 2 मिनट तक। उसके बाद हम ये मंगोड़ी डाल देंगे। हम ग्रेवी के पूरी पकने से पहले ही मंगोड़ी डाल देते हैं, क्योंकि मंगोड़ियों को पकने में टाइम लगता है। ये रेसिपी आप कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में ये जल्दी बन जाती है, कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसे ढककर पकाएंगे हम, तो करीब 10 से 12 मिनट तक आप इसे हल्की गैस पे पकने दें। और जब तक आपके जो आलू हमने स्टिर फ्राई होने रखे हैं उन्हें बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देख सकते हैं, ये आलू अच्छे से स्टिर फ्राई हो चुके हैं। इसे आप तोड़ के भी देख सकते हैं कि अच्छे से पका है या नहीं।
तो ये अच्छे से पक चुके हैं, तो मैंने इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए ये ग्रेवी और मंगौड़ी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना भी आपको गाढ़ी या पतली सब्ज़ी पसंद हो। तो मैंने करीब 1.5 कप पानी डाला है। मिला लें सबको अच्छे से। उसके बाद ये हमने फ्राई किए हुए आलू भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी। मिला लें अच्छे से और करीब 2 से 3 मिनट के लिए से और पका लें। मंगौड़ी आलू बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पराठे के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड लव को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।